brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. भारती के जगह पे किसी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दे, खुद एको को मुसलमान को टिकट नहीं देते हैं, और देते हैं तो बड़ी मुश्किल से एको मुसलमान को देते हैं, दो को मुसलमान को देते हैं। अभी लालू प्रसाद यादव ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि मुस्लिम का आरक्षण जो है वो लागू होना चाहिए, बड़ी मांग की है चुनाव के बीच में लालू प्रसाद यादव ने। आप मुस्लिम आरक्षण पे क्या है? लालू प्रसाद यादव जो बोले हैं वो, उसके लिए हम सबसे पहले तैयार तब होंगे जब तेजस्वी को हटा के किसी मुसलमान को जो है उस जगह पे बैठाए, विपक्ष का नेता किसी मुसलमान को बनाए, मीसा भारती के जगह पे किसी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दे, खुद एको को मुसलमान को टिकट नहीं देते हैं, और देते हैं तो बड़ी मुश्किल से एको मुसलमान को देते हैं, दो को मुसलमान को देते हैं। आप जो है 23-22 जगह पे जो है आरजेडी लड़ रहा है चुनाव बिहार में, 22 जगह पर से लड़ रहा है, कितने मुसलमान को दिया? लालू प्रसाद यादव तो शहाबुद्दीन के नहीं हुए, शहाबुद्दीन के परिवार के नहीं हुए, शहाबुद्दीन जब तिहाड़ में मर गए, शहाबुद्दीन का मैं समर्थक नहीं रहा हूँ, शहाबुद्दीन आतंक के पर्याय थे बिहार में, लेकिन शहाबुद्दीन आतंक मचाते थे लालू प्रसाद यादव के लिए और उनके चुनावी एजेंडा के लिए, उस शहाबुद्दीन के नहीं हुए। हिना साहब जो है आज न्याय मांग रही है, उनकी पत्नी, उनके लिए नहीं हुए। लालू प्रसाद यादव नाटक करेंगे, ये नाटक लालू प्रसाद यादव जी का पूरा बिहार और पूरा देश देख लिया है। देखिए चारा घोटाला किए थे वो, और सबसे ज्यादा मवेशी जो है यादव भाइयों के पास होता है, और उन्हीं का हक जो है लालू जी मार लिए, तो ये लालू जी क्या बोलेंगे? और लालू जी को हिम्मत है तो लालू जी आए और बोले, कहें कि हमारा बेटा चुनाव नहीं लड़ेगा, उस सीट पे जो है एक मुस्लिम कैंडिडेट को हम उतारते हैं, ये क्या बात करेंगे? बताए ना कि इन्होंने अपने 15 साल में बिहार के लिए क्या किया और उसके बाद से बिहार के लिए क्या हुआ। नहीं तो वो तो तेजस्वी भी अपनी चुनावी सभा में बता रहे हैं कि कैसे पीएम मोदी झूठ बोलते थे, वो तो बकायदा वीडियो दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं। कौन सा वीडियो? तेजस्वी को पहले तरबूजा खिलाइए जाके, पहले तरबूजा खिलाइए उनको, तरबूजा खाने की सख्त जरूरत है, तब तजुर्बा आएगा, और तजुर्बा से जब बात करेंगे तो पीएम मोदी को क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है तब उन्हें समझ में आएगा।